गोनार्ड संदेश के संपादक की हत्या हुई है, क्या है मामला? ये लड़के को बुला के ले आए, उसका तो लखनऊ में काम करने का था, टिंकू बस्ती, उसको बुला के ले आए नेपाल टहलाने के लिए। अब उसके बाद ये लोग, वो तो उसकी पिस्टल अपने वहाँ रखवा दिए थे पेट्रोल टंकी पर। जैसा ज्ञात हुआ हमें सुबह, एक लड़का अनुराग था उसके साथ, वो बता रहा था, तो पिस्टल वहाँ रखवा दिए, इनको ले गए। अब वहाँ से ले के आए, अब अनुराग के हिसाब से कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद जो है वो टिंकू होस्ती से मारपीट हुई और उसके बाद उतार दिए वही गाड़ी से, उसकी गाड़ी लेके चले गए। अब पता नहीं कितनी मारपीट हुई, इतनी मारपीट हुई कि उसके बाद वो जब एम्बुलेंस बुलाया जो लड़का दूसरा था, तो पता चला कि वो जो है एम्बुलेंस वाला बता रहा था वहीं लगभग ख़त्म थे, लेकिन अस्पताल तक लाए। टिंकू अवस्थी कौन है ये? ये टिंकू अवस्थी है, पुतू अवस्थी के लड़के हैं, ये बहुत बड़े पहले नेता थे टिंकू वाले, पुतू अवस्थी उन्हीं के लड़के हैं। क्या आप लोगों ने इस संबंध में थाने में तहरीर वगैरह दी है? हाँ, हमारे बच्चे ने, छोटे बच्चे ने दिया है तहरीर, कि हमें जो है इन लोगों पे शक है कि जो है इन लोगों ने कोई जो है अपराध कारित किया उसके साथ। कितने लोग शामिल थे इस कांड में? इस कांड में जहाँ तक मुझे अब तक जानकारी मिली है, उनके साथ तीन लोग टिंकू होती, तीन लोग लेके आए थे। एक लड़का ये अनुराग गया था साथ में गोंडा से ही, तो पांच लोग गाड़ी में थे उस वक्त, उसके अलावा और कोई था ये मैं नहीं कह सकता हूँ। एक बात सामने आ रही है कि आप लोग पिछले 4-5 घंटे से यहाँ खड़े हैं, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो मुहैया नहीं कराया जा रहा है। हाँ, वो डीएम साहब से लोग मिले थे, डीएम साहब ने ऑर्डर किया था सीएमओ को, सीएमओ ने कहा एसपी अरेंज करेंगे, एसपी के आगे तो पता चला वो डिप्टी एसपी करेंगे, डिप्टी एसपी ने कहा वो कोतवाल करेंगे। अब देखिए कोतवाल भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं, अभी इसी में चल रहा है 2-3 घंटे से। तो प्रशासन भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा है? प्रशासन हमारी मदद क्यों करेगा, जब उनके रिश्तेदार बड़े होते बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे बच्चे के साथ ऐसा जघन्य कृत्य किया है। एसओ यहाँ का एसओ 5 घंटे से वीडियोग्राफर नहीं भेज रहा है, वो कह रहा है कि उस अपोजिट पार्टी के हमारे ऊपर बहुत एहसान है और हम इसलिए गोल गोल नक्शा बना रहे हैं। भारत का जनरल शुक्ला है यहाँ का एसओ। और लखनऊ से अचानक इनका कार्यक्रम बना दिया गया नेपाल की साइड में, और लड़का सवेरे जो है फ़ोन करके जो इनके साथ था अनुराग सिंह गोंडा का, वो बताया कि यहाँ इनका तबीयत ख़राब हो गई है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकर के यहाँ चले आइए। बाद में ये पता चला कि इनकी गाड़ी से उतार करके, इनको मार करके उतार दिया गया है, गाड़ी लेकर के टिंकू अवस्थी और उनके मित्रगण भाग गए हैं। अभी तक गाड़ी नहीं मिली है, रिवाल्वर इनका पिस्टल और इनकी बंदूक जो है जो रामनगर पेट्रोल पंप है उस पर टिंकू अवस्थी ने रखवा लिया था पहले ही। जो पंप उन्हीं का, जो उन्हीं का अवस्थी कौन है? टिंकू अवस्थी जो है पुतू अवस्थी जी के सुपुत्र हैं और तथाकथित रूप से मित्र थे, जो कि छल से हत्या की इन्होंने। अगर हत्या नहीं की तो भागे क्यों? स्कॉर्पियो लेकर के, इन्हीं की गाड़ी लेकर के भागने का क्या मतलब है? पुलिस पूरी तरह से फेवर नहीं कर रही है। एसओ यहाँ का जनरल शुक्ला है, 5 घंटे से वीडियोग्राफी की बात की जा रही है, वो अभी तक भेजा नहीं है। वो कह रहा है कि जो है हमारे ऊपर उनके बहुत एहसान है, इसलिए हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। किसका एहसान बता रहे हैं? ये पुतू अवस्थी जी और टिंकू अवस्थी का। ये क्या किसी के रिश्तेदार भी हैं? रिश्तेदार किसके होंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, डिप्टी सीएम साहब का कोई इसमें संबंध नहीं है उसका, ये सब उनको अनवाल करना ठीक नहीं है। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और हमारे गुरु जी भी रहे हैं और मैं उनको कतई उनकी दखलंदाजी नहीं मानता हूँ। अभिनंदन तिवारी उर्फ मंटू ये गुनार संदेश के संपादक रहे हैं और उपजा के ये जिला पार्षद रहे गुंडा। मैं डॉक्टर जीसी श्रीवास्तव उपजा का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस मामले में राजनैतिक स्तर से दबाव पड़ रहा है जिसकी वजह से ये घटना इतनी देर हो गया, अभी तक इसमें FIR तक दर्ज नहीं हुआ। कोतवाली की पुलिस तहरीर जो है बदलवा करके इनको दबाव डाल करके तहरीर लिखवा रही थी। हमारी कप्तान साहब से वार्ता हुई, डीएम साहब से वार्ता हुई, डीएम साहब ने इसको जो है वीडियोग्राफी करा करके दो पैनल के साथ इसका जो है पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया और SP ने हमको कोऑपरेट किया। इन्होंने कहा कि वो तहरीर जो इस समय देंगे वो तहरीर हम लेकर के मामला दर्ज कराएंगे। सुना जा रहा है कि राजनीतिक दबाव पड़ने के नाते से कोतवाल वहाँ पे मामला दर्ज कर रहे हैं। अगर ऐसा मामला होता है तो इसका मतलब है कि ये मामले को रफा दफा किए जाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा हुआ
तो पत्रकार संगठन चुप नहीं बैठेगा और देश के सारे पत्रकार यानी यूजे के पूरे पत्रकार और उपजा संगठन इसकी लड़ाई लड़ेगा। इस संबंध में मृतक के भाई धनंजय तिवारी जी द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें पूर्व विधायक पुतु अवस्थी के पुत्र का भी नाम शामिल हो रहा है, इस पर क्या कहना? इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की संलिप्तता आरोप, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इसमें पुलिस की संलिप्तता है। 18 घंटे करीब हो गया है हत्या हुए, अब इस समय पोस्टमार्टम हो रहा है, इतना आनाकानी की जा रही है, क्या प्रॉब्लम? इस संबंध में पुलिस की कोई गलती होगी जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी व्यक्ति को हिरासत में भी इस मामले में लिया गया है? एक व्यक्ति अनुराग सिंह अभी पूछताछ है, थाने पर रोके गए हैं। कुछ उसने कुछ बताया अभी तक? अभी मेरी जानकारी में नहीं है, अभियोग पंजीकृत होने के बाद अब कार्रवाई की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। कल नानपारा थाना में ब्रजनंदन और मिंटू तिवारी की हत्या कर दी गई और कल पोस्टमार्टम से ज्ञात हुआ कि स्ट्रैंगुलेशन अर्थात गला घोंट कर हत्या की गई है, जिसपे उनके परिजनों के तरीक के आधार पर धारा 302 और 394 के तहत FIR लाज कर दिया गया है। नामित इसमें टिंकू अवस्थी, रिंकू दीक्षित, श्रवण और अनुराग सिंह नामित किए गए हैं। इसमें उनकी मृतक की स्कॉर्पियो और पिस्टल भी गायब है, इसलिए इसमें 394 धारा भी लगी हुई है और इनकी गिरफ्तारी के लिए शीघ्र कोशिश की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तारी के लिए। रिता साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो मंटू तिवारी जो कि मृतक है उनके द्वारा ही 100 नंबर पर फोन किया गया, उसके बाद जो है पुलिस पहुंचती है, तो ऐसा क्या मामला है कि जानते हैं? अभी सब सारे पहलुओं पर छानबीन चल रही है, कल FIR लॉन्च हुआ है, सारे पहलुओं पर छानबीन के लिए जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किसी बड़े नेता के बेटे का भी नाम इसमें है, पुतु अवस्थी जैसे नेता के बेटे का नाम है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? जो साक्ष्य मिलेगा इसमें कौन किस परिवार से संबंधित है और कहां संबंधित है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी हत्या की गई है और जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन